ठीक है, तो एग्जांपल वन करते हैं अपन। एग्जांपल वन क्या बोलता है? एग्जांपल के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले एग्जांपल्स करते हैं। वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 8x। वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बेटा 8x की लाइन सेगमेंट है और उसके कितने हिस्से करने हैं? दो हिस्से करने हैं, तो डिवाइड बाई टू करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। टू वन ज़ा फोर ज़ा, तो हर हिस्सा कितना हो जाएगा? 4x का हो जाएगा। ख़त्म। आंसर सिंपल। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, बस हो गया। ठीक है, आया समझ? अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल टू करते हैं। एग्जाम्पल टू क्या बोलता है? एग्जाम्पल टू, अरे कहाँ गया रे, इधर। डिवाइड पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x-3 बाय x-2। चलो, तो बेसिक में मैंने तुमको बता तो दिया है, फिर भी फिर से एक बार करते हैं क्वेश्चन। 2x² माइनस नहीं प्लस 5x-3 डिवाइडेड बाय x-2। क्या करना है? एक रफ वर्क निकालना है। रफ वर्क, 2x² को डिवाइड करो x, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x। क्या बोला था? इसका पहला टर्म, उसका पहला टर्म को डिवाइड करना है, तो रफ में करना है, तो कितना आया? 2x आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। अब इस 2x को किससे इंटू करना है? इससे भी और इससे भी। तो कितना आएगा? 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 1 2, एक्स इंटू एक्स, 2x² 2-2 माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और एक्स। फिर क्या बोला था? सबका साइन बदल देंगे, ये कट गया। प्लस 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 5 प्लस 4 9x माइनस 3, ये वाला एज इट इज उतरा। ठीक है, आप इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से डिवाइड करो। 9x/x कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस 9, 9x प्लस माइनस माइनस 9 2 18। सबका साइन बदल दो। अब नया साइन इसकी ज़िंदगी है, ये तो कट गया। माइनस प्लस माइनस 18 में 3 गया तो कितना बचता है? 15, और नया साइन मतलब बड़ा, तो इसका कोशेंट कितना हो गया? कैसे लिखेंगे आंसर, कैसे रिपोर्ट करेंगे? आंसर है, कोशेंट कितना है? कोशेंट है 2x+9 और रिमाइंडर है 15। ठीक है, आया समझ? ठीक है, चलो अब करते हैं अपन एग्जांपल थ्री। एग्जाम्पल टू हो गया, एग्जाम्पल थ्री। डिवाइड 5x-11 माइनस 12x² प्लस 2x³ बाय x-5। ठीक है, तो क्या बोला था? सबसे पहले अपन अरेंज कर लेंगे, तो ये बाहर रहेगा, ये अंदर रहेगा। ठीक है, पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, फिर सबसे छोटा वाला, पहले x³ वाला, फिर x² वाला, फिर x वाला, फिर 11। ठीक है, आप इसको बाहर रखेंगे अपन, x-5। चलो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था? रफ में इसको और इसको डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा?
टू एक्स क्यूब बाय एक्स कितना हो जाएगा, ऊपर 3x है नीचे 1x है, तो कितना एक्स बचेगा, 2x बचेगा और ये 2 एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 2x2, 2 1 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, इसको इससे भी इंटू करना है, इससे भी इंटू करना है, ठीक है। तो 2 × −5 −10, 5 और एक्स स्क्वायर, फिर क्या बोला था, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या बोला था, सबका साइन बदल के सॉल्व कर दो, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो +10 − 12 यानी कितना होगा, −2x², ठीक है, +5x − 11, क्या किया समझ में, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 10 जाता है 2 बचता है और साइन बड़े का लगाना था, तो −2x², और ये +5 ऐसे उतरा, ये −11 ऐसे उतरा। अब इसको किससे डिवाइड करना है, पहले वाले टर्म से डिवाइड करना है, तो −2x² को किससे डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड करना है, ऊपर 2x है नीचे 1x है, कट जाएगा, क्या बचेगा, −2x बचेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं −2x, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, x × x, x² फिर माइनस माइनस प्लस 5 × 10x, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 − 5 = 5 हो जाएगा और साइन बढ़ेगा आएगा −11, ठीक है। अब अगेन फिर से यहाँ पे जो चीज़ है और यहाँ पे जो चीज़ है उसको डिवाइड करेंगे, −5x/x कटेगा तो कितना आएगा, −5 आएगा, तो ये −5 को यहाँ लिखना है, −5 को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और −5 से दोनों को इंटू करना है, तो −5 × x −5x − 5x, ठीक है, और −5 × −5 माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 = 25, फिर क्या करना है, सबका साइन बदल देना, प्लस माइनस कट जाएगा, −37, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसका आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे, आंसर रिपोर्ट करोगे, कोशेंट इज 2x² −2x − 5, रिमाइंडर इज −37, ये आंसर होगा तुम्हारा, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं अपन एग्जांपल नंबर 4 पे, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, चलो। तो ये क्वेश्चन है, उसको इससे डिवाइड करना, ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 2x³ −3x² −x + 3, ये डिविडेंड है, और डिवाइजर क्या है, 2x³ 2x² है डिवाइजर, यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन में, 2x² −4x + 3, 2x² −4x + 3, ठीक है। अगेन फंडा वही है भाई साहब, क्या बोला था वही करेंगे अपन, क्या करेंगे, रफ वर्क, यहाँ का पहला टर्म उठाओ और यहाँ का पहला टर्म उठाओ, दोनों को डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो ये वाले टर्म को यहाँ
यानी कि 2x³ को डिवाइड करने किससे, 2x² से, ये 2 2 कट गया, ऊपर 3x थे नीचे 2x थे, तो कितना बचा, 1x बचा, तो यहाँ x लिखो। अब इस x को इससे 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 तीनों से इंटू करना है, ठीक है, तो x इंटू 2x² तो कितना हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 2 2, x² यहाँ पे और यहाँ पे x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस, 4 1 4, x इंटू एक्स 2x आ जाएगा, x² प्लस प्लस प्लस, 3 1 3 x, सबका साइन बदलने बोले थे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, x² साइन बढ़ेगा तो प्लस 1, ठीक है, तो प्लस x² माइनस 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 प्लस, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4x और साइन बढ़ेगा और ये प्लस 3 ऐसे उतरेगा, प्लस 3। फिर क्या बोला था, फिर से वापस करेंगे इसके पहले वाले को, इसके पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो x² / 2x², ये कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब नीचे 2 बचा, ठीक है, तो प्लस 1/2। सर फ्रैक्शन में आ सकता है, हाँ आ सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हो सकता है सब आ सकता है, ठीक है, क्या आप बात करते हो सर, हाँ। अब ये 1/2 को किससे इंटू करना है, इससे भी इंटू करना है, 1/2 को इससे भी इंटू करना है, 1/2 को इससे भी इंटू करना है, तो मैं इसको ना अलग से करके दिखा रहा तुमको ताकि तुम्हारे को कन्फ्यूजन हो। 1/2 को किससे इंटू करना है, 2x² से भी इंटू करना है, 4x से भी इंटू करना है और 3 से भी इंटू करना है, ठीक है, तो कितना होगा, 1/2 इंटू, तो ये 2x² / 2 माइनस 4x / 2 प्लस 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर से इंटू होता है, 1 2 2x² 2 1 2, 1 को किसी से भी इंटू करोगे तो वही आएगा, अपॉन 2 प्लस 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 3/2, तो ये कितना हो गया, ये कट रहा है तो ये 2 2 कट जाएगा, 2 1 2 2, तो ये कितना आएगा, x² माइनस 2x प्लस 3/2, यहाँ पे लिखोगे x² माइनस 2x प्लस 3/2। फिर क्या बोले थे, सबका साइन बदलना है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस करना, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये माइनस 4x है और ये प्लस 2x है, माइनस नहीं प्लस 2x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 4 + 2 कितना होता है, माइनस 2x, इसको भी सॉल्व करना है, इसमें प्लस 3 माइनस 3/2 है, तो इसको रफ वर्क पे करो, प्लस 3 माइनस 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 एलसीएम आएगा, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3/2, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 3/2, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे, आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा, कोशेंट हो गया सर एक्स प्लस 1/2 और रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3/2, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, समझ में आएगा, ठीक है, चलो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन एग्जांपल 5 से ट्राई करते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स ख़त्म करके फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।